सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज आप देखने वाले हैं MSBTE की बेहतरीन वीडियो के बारे में। आप जानते होंगे कि सभी जितने भी कॉलेजेस हैं वह सारे के सारे आपके लेबोरेटरी मैनुअल्स, आपके सभी टर्म वर्क के, सेशनल्स के, सभी क्वेश्चंस पेपर के बारे में, टर्म वर्क के सभी वर्क के बारे में, साथ ही में आपके जो मैनुअल्स होते हैं वह सारे मैनुअल्स कंप्लीट करके मांगते हैं। अब सोचिए, आप सभी कॉलेजेस ऐसा क्यों करते होंगे, क्या है? आप ऐसा सोच के चलिए, अगर आपने वह सबमिशन नहीं किया तो कॉलेज को क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा। सोच के चलिए, अगर फलाना फलाना कैंडिडेट है, उसने मैनुअल सबमिशन नहीं किया है और आपने सबमिशन किया है, फिर भी आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया गया और उसको एग्जामिनेशन देने गया, उसने तो मैनुअल सबमिशन भी नहीं किया है, तो आपको इसके बारे में जो MSBTE का रेगुलेशन है और एक्ट के अनुसार जो 2018 का है, 2018 का, उसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे। आपको पहले जान लेना चाहिए MSBTE रेगुलेशन 2018 के अनुसार, अगर आपका MSBTE मैनुअल प्रोजेक्ट असेसमेंट, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, सेशनल, ETC वर्क अगर इनकम्प्लीट है तो इस मामले में संस्थान आप पर क्या कार्रवाई कर सकता है और संस्थान पर MSBTE क्या कार्रवाई कर सकता है। तो इस मामले में यदि कोई भी एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होता है वह रिपोर्ट करता है MSBTE को कि लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, सेशनल आदि किसी स्टूडेंट के इनकम्प्लीट है, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर की जो विस्तृत रिपोर्ट होती है, डिटेल्स, वह इंटरनल एग्जामिनर के सब्जेक्ट, कोर्स, टीचर और संस्थान के प्रिंसिपल के स्पष्टीकरण के साथ में MSBTE को भेजता है और MSBTE इसकी स्पेशल कमिटी का चयन करती है और MSBTE संस्थान लेवल पर इसके लिए विचार करेगा और परिणाम की घोषणा करेगा। अब अगर उस कोर्स के लिए ऐसे संस्थान का परिणाम प्रोग्राम एंड ईयर सेमिस्टर को तब तक जारी नहीं करेगा उसका रिजल्ट, जब तक कि जो स्पेशल कमिटी स्थापित की गई है, जो विशेष समिति स्थापित की गई है, वह उचित निर्णय उसके बारे में ना दे दे। अगर आपका प्रैक्टिकल मैनुअल्स, प्रोजेक्ट असेसमेंट, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, सेशनल वर्क, ETC अगर इनकम्प्लीट है, और एक बात आपको बता देते हैं, इसे निपटने की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ाई जाती है। यदि एग्जामिनर द्वारा परीक्षार्थी के रूप में किसी मामले का पता लगा लेते हैं, वह देखते हैं कि प्रैक्टिकल मैनुअल्स इनकम्प्लीट है, टर्म वर्क इनकम्प्लीट है, फिर भी संस्थान द्वारा स्टूडेंट को आगे एग्जामिनर के लिए बैठा दिया गया, एग्जाम देने के लिए अपीयर कर दिया गया है, तो ऐसे टाइप में संस्थान के लेवल पर वह एग्जामिनर क्या करेगा। तो ऐसे मामले का पता लगाने पर लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, प्रोजेक्ट, सेशनल वर्क आदि अधूरे है, लेकिन संस्थान के जो प्राचार्य है, जो डीन है, जो प्रमुख है, उन्होंने इसे सर्टिफाई कर दिया है, उस उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दे दी जाएगी बिकॉज उसे सर्टिफाई कर दिया गया है। लेकिन सेक्रेटरी इस बारे में फिर से पूछताछ करेंगे और ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट उचित कार्रवाई के खिलाफ बोर्ड डायरेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। यदि इस दौरान स्पेशल कमिटी का निर्णय संस्थान पर कार्रवाई का आता है तो संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी मामलों को सेक्रेटरी तकनीकी शिक्षा निदेशक सरकार को आगे के लिए रिपोर्ट कर संस्थान के खिलाफ कार्रवाई में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आप अब सोच लीजिए कि आपको आपके MSBTE मैनुअल्स, प्रोजेक्ट असेसमेंट, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, सेशनल वर्क आदि कंप्लीट करने चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या कोई भी हो, भले ही आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट, आपका प्रैक्टिकल्स, मैनुअल प्रैक्टिकल्स जो भी होगा वह अभी तक सबमिशन नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको इसे कंप्लीट करना कर लेना चाहिए बिकॉज संस्थान पर भी इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इस स्ट्रिक्ट एक्शन से बचने के लिए संस्थान इसे कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज आपको MSBTE मैनुअल्स, प्रोजेक्ट असेसमेंट, लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स, टर्म वर्क, सेशनल वर्क, ETC जानकारी? अगर इसी प्रकार के MSBTE के सभी रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए एग्जामिनेशन के बारे में और बाकी MSBTE अपडेट्स,
दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।